हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मटर और उड़द की दाल के बोंडे बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं मटर और उड़द की दाल के बोंडे बनाना। उड़द दाल और मटर के बोंडा बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी उड़द की दाल ली है। इसको हमने भिगो दिया था और ये फूलकर अच्छे से तैयार हो चुकी है। इस दाल को मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगोया है। और ये एक कटोरी मैंने मटर लिए हैं, एक प्याज लिया है इसको बारीक कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है जिसके मैंने 2-3 टुकड़े कर लिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम मटर को ग्राइंड कर लेते हैं। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है। पहले मैं इसमें ये अदरक के टुकड़े और ये हरी मिर्च दोनों कट करके डाल दूंगी और अब मैं इसमें ये मटर भी डाल दूंगी और इसको मैं दरदरा पीस लूंगी। अब मैं इसे पीस लेती हूँ और ये हमारी मटर अच्छे से दरदरी पीस चुकी है। अब मैं इसे इस बाउल के अंदर निकाल लूंगी। ये हमने मटर को निकाल लिया है मिक्सी के जार में से। अब इसी जार के अंदर मैं ये दाल को पीस लूंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल दूंगी और इसे मैं पीस लूंगी और ये हमारी दाल पीसकर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने मोटा मोटा ही पीसा है, ज्यादा बारीक नहीं करा है। दाल को सिर्फ मैंने दरदरा करा है। इस दाल को भी मैं इस मटर वाले बाउल के अंदर निकाल लूंगी। मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगी। ये मैंने 1/4 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्ची ली है और ये मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। मैंने पहले से इस मटर पीसते हुए भी 2 हरी मिर्चें डाली थी और 1 को मैंने बारीक कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूंगी। इसे मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी। नमक मैं इसमें बाद में डालूंगी, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूं। ये हाथ से अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। ये नमक मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले लेना। मैं अच्छे से फिर से मिक्स कर लूंगी हाथ से ही। हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, मैंने सरसों का ऑयल लिया है। मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम मूंगफली और चने की दाल की चटनी बना लेते हैं। ये मैंने 1 छोटी सी कटोरी मूंगफली ली है, 1 चम्मच मैंने उड़द दाल धुली हुई ली है, 2 चम्मच मैंने चना दाल ली है और ये मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, थोड़े से मैंने सरसों के दाने लिए हैं, 1/4 चम्मच के आसपास हैं, ये मैंने 7 से 8 मैंने लाल मिर्ची ली है सूखी वाली। तो आइए बनाते हैं चटनी। ये मैंने 1 सॉस पैन लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये मूंगफली के दाने डाल दूंगी और इसे मैं रोस्ट कर लूंगी, मूंगफली को फ्राई कर लूंगी। मूंगफली के दाने के साथ ही मैं ये चने की दाल डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें ये 4 सूखी लाल मिर्ची डाल दूंगी और मैं उड़द की दाल भी साथ ही डाल देती हूँ। इन चारों चीजों को मैं अच्छे से भून लूंगी। और अब मैं इसमें ये लहसुन भी डाल देती हूँ, लहसुन के साथ ही भुन जाएगा इसके।
और ये हमारी मूंगफलियां और दालें अच्छे से भुन चुकी हैं। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। जब तक ये हमारा ठंडा होता है तब तक मैं गोंडों को फ्राई कर लेती हूँ। और ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें से गोंडे बनाऊंगी। और इसी प्रकार से मैं सारे गोंडों को तेल के अंदर छोड़ती जाऊंगी और इन्हें फ्राई कर लूंगी। और अब मैं इनकी साइड चेंज करूंगी, इनको हिलाऊंगी और स्लो गैस पे ही मैं इन्हें पकने दूंगी। जब तक ये हमारे गोंडे फ्राई होते हैं तब तक मैं ये चटनी पीस लेती हूँ। ये ठंडी हो चुकी है, इसको मैं इस मिक्सी जार के अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसमें पानी की जगह थोड़ी सी लस्सी डाल रही हूँ, आप चाहे दही भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच लस्सी का प्रयोग कर रही हूँ। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। ये मैंने मिक्सी का जार खोला है, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी और डालूंगी। ये मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। और 2 से 3 चम्मच मैं इसमें पानी डालूंगी और इसे मैं फिर से एक बार घुमा दूंगी मिक्सी को। और ये हमारी चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है। चटनी को मैं इस बाउल के अंदर निकाल लूंगी। ये चटनी हमारी बन चुकी है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। और इधर हमारे ये गोंडे फ्राई हो चुके हैं और ये हमारे गोंडे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं चटनी का तड़का लगा लेती हूँ और ये हमारे बोंडे कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और इन्हें मैं एक प्लेट में सर्व करूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। मैं इसमें ये सरसों के दाने डाल दूंगी और साथ ही मैं ये सूखी लाल मिर्च डाल दूंगी। गैस को मैं बंद कर दूंगी और तड़के को मैं इसमें डाल दूंगी। और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे भी मैं एक छोटे बाउल में सर्व कर लूंगी चटनी को। ये हमारे बोंडे बनकर तैयार हो चुके हैं, मटर और उड़द की दाल के और बनकर तैयार हुए हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।